बाद बाहुबली 2 एक ऐसी मूवी रही जिसके लोग आज भी तारीफ करते नहीं थकते। साथ ही इस फिल्म के दमदार अभिनेता यानी कि साउथ के मेगा स्टार प्रभास की भी दर्शकों ने खूब तारीफ की है, जो हर बार अपनी फिल्मों में शानदार जलवा दिखाकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। और इसलिए जब भी प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर नजर आते हैं तो उनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। और दर्शकों के से प्यार को बरकरार रखते हुए प्रभास एक बार फिर अपनी बड़ी बजट की फिल्म आदि पुरुष के साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमें जल्द ही आदि पुरुष मूवी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म आदि पुरुष की रिलीजिंग डेट से लेकर स्टार कास्ट तक की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी हर एक फिल्म में यूनिक लुक के साथ नजर आने वाले मेगा स्टार प्रभास भारतीय फिल्मी जगत के कितने पसंदीदा अभिनेता हैं, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिनकी हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है, चाहे फिर बात फिल्म रेबल की हो या फिर बात बिल्ला मूवी की। तभी तो दुनिया के सभी लोग इनकी अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दर्शकों के बीच अपने इसी रुतबे को कायम रखते हुए अभिनेता प्रभास जल्दी आदि पुरुष मूवी के साथ बड़े पर्दे पर नजर भी आने वाले हैं। जी हाँ, हमें जल्द ही अभिनेता प्रभास की एक और सुपरहिट अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष देखने को मिलने वाली है, जिसके डायरेक्शन ओम राउत द्वारा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट पूरे 400 करोड़ का है। फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है, साथ ही फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, जिसकी कहानी भगवान श्री राम पर आधारित होगी। इसमें हमें बुराई पर सच्चाई की जीत देखने को मिलेगी। और फिल्म की इसी थीम को पर्दे पर पेश करने के लिए इस फिल्म में कई तरह की एक्स्ट्रा एडिटिंग भी की जाएगी। साथ ही फिल्म में हमें जबरदस्त क्लाइमेक्स देखने को मिलने वाला है, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी 5 भाषाओं के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। और अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अभिनेता प्रभास ही नजर आएंगे, जो फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वह इनके ऑपोजिट साउथ की सबसे खूबसूरत अदाकारा अनुष्का शेट्टी नजर आने वाली हैं, जिन्हें फिल्म में सीता माता के किरदार में देखा जाएगा। इनके अलावा फिल्म में बॉलीवुड के सिंगम कहे जाने वाले अभिनेता अजय देवगन की भी एंट्री होने वाली है, पर फिल्म में ये कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे। साथ ही फिल्म को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए फिल्म में रावण के किरदार के लिए अभिनेता सुदीप सजीव का नाम अप्रोच किया गया है। बता दें कि ये मल्टी टैलेंटेड इंडियन एक्टर हैं, जो कि ज्यादातर कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देते हैं। वही इन्हें तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में भी देखा जा चुका है। और एक बार फिर ये हिंदी फिल्म आदि पुरुष में एक अलग अंदाज के साथ रावण के रूप में नजर आने वाले हैं, जिनका किरदार वाकई दिलचस्प होगा। इन सब के अलावा बॉलीवुड के एक और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी सामने आया है, जो इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। पर अभी तक इनमें से किसी ने भी फिल्म आदि पुरुष में काम करने के लिए अपनी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, पर फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है और खबर है कि ये फिल्म हमें इसी साल के आखिरी महीने में देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए दर्शकों के बीच भी काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। वेल, तो आप कितने एक्साइटेड हैं प्रभास की अपकमिंग मूवी आदि पुरुष में एक बार फिर प्रभास और अनुष्का की खूबसूरत जोड़ी को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।